इस मॉड्यूल में हम फाइलम सब फाइलम हैक्सोपोर्ट्स के अंदर लर्निंग और मेमोरी ऑफ इंसेक्ट्स को डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिसर्च हैज़ शोन दैट इंसेक्ट्स जो हैं इनके अंदर मेमोरी और लर्निंग का प्रोसेस जो है दैट इज़ वेरी मच एक्सटेंसिव फॉर एग्जांपल अगर हम बीज की एग्जांपल लें बीज जो हैं दे बिलोंग टू ऑर्डर हाइमिनाप्ट्रा तो इसके अंदर फ्लावर लाइक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी शेप को या रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसी तरह से इनके अंदर ये भी एबिलिटी है कि ये अल्ट्रा लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी जो कि उस फ्लावर के ऊपर जो है एब्जॉर्ब होगी अब अगर बीज जो हैं उनको हनी बीज की एग्जांपल ले लें दूसरी बीज की ले लें अगर ये फ़्लावर के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं और वहाँ फ्लावर का नेक्टर जो है या उसके पोलन को एज़ अ फूड यूज़ कर रही हैं तो ये हनी बीज लर्न कर लेंगी कि इस फ्लावर का ऑर्डर जो है वो किस तरह से इनको नेक्टर या पोलन की एब्जॉर्बेंस में हेल्प करेगा इसके अलावा बीज जो हैं अगर उनको हम आर्टिफिशियल तरीके से डिफरेंट सेंट्स के थ्रू फीड करें तो इनके अंदर ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट एबिलिटी थ्रू डिफरेंट ट्रायल्स ये एबिलिटी आ जाती है कि ये उसी पोलन और नेक्टर को फीड कर सके अब ऑर्डर जो है बीज के अंदर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीज के अंदर ऑर्डर को स्मेल करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है रादर देन इट्स कलर एंड शेप फिर इसमें नॉर्मली जो है फ्लावर हैं दे आर इन द फील्ड फील्ड के अंदर रेन भी है विंड भी है हरबी भी वर्स भी हैं ये नॉर्मली जब उन पोलन को नेक्टर्स को डैमेज कर देंगे तो बीज जो हैं इनका बिहेवियर चेंज हो जाए इस डायग्राम से हम बीज के अंदर इंसेक्ट्स के अंदर लर्निंग और मेमोरी के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं ये डायग्राम में आप देखें दिस इज़ द नॉर्मली प्रेफरेंस ऑफ नेटिव वेस्ट अब ये वेस्ट है ये इसके पोलन है ये इसके डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स हैं जिनको ये उनके पोलन और नेक्टर को एज अ फूड यूज़ करते हैं अब थ्रू द लर्निंग इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर ये इसका पोलन या नेक्टर जो है दैट इज़ वेरी इसका कलर डिफरेंट है यहाँ पर इसका कलर पोलन का नहीं है तो इन्होंने थ्रू लर्निंग ये चेंज किया और इसकी मेमोरी के थ्रू इसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई अब ये वेस्ट जो है रादर देन गोइंग टू दिस फ्लावर दिस विल ऑब्वियसली गो टू दिस फ्लावर टू टेक इट्स फूड सेकेंड जो है वो है इसका ओवी पोजिशन एक्सपीरियंस अब पोजीशन एक्सपीरियंस जो है इसमें इसकी मेमरी जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अब इसमें थ्री इसको एक्सपोजिशन के चांसेस दिए गए वन आवर वन डे और फाइव डे अब इसकी मेमोरी रिटेंशन जो है इसको यहाँ पर ओवी पोजीशन के एक्सपीरियंस को कोल्ड शॉक के जरिए चेंज किया गया तो थर्ड में हमने देखा कि ओवी पोजीशन जो है इसका एक्सपीरियंस अगर इसके साथ जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इसमें इंजेक्ट कर दिए जाएँ तो इसकी मेमोरी रिटेंशन का प्रोसेस जो है दैट कैन बी इंक्रीज्ड अब थर्ड में मेमोरी रिटेंशन के लिए इसमें ए आर एम और एल टी एम के प्रोसेस जो है विद स्लो इन इंसेक्ट्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पर फास्ट कंसोलिडेशन एस टी एम फॉलोड बाई एल टी एम और मेमोरी रिटेंशन से ये देखा गया कि ए आर एम कंसोलिडेशन ओनली रैपिड डिक्लाइन यानी इसमें भी हम एस टी एम और ए आर एम के जो मेमोरी रिटेंशन का प्रोसेस है उसको शॉर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस लर्निंग मेकनिज़म तो दिस लर्निंग एंड मेमोरी ऑफ इंसेक्ट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज मोर इन इंसेक्ट्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर आर्थरोपोट्स